एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल रीना सिंदूरी किचन में। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए आज हम बनाएंगे गर्मियों के लिए स्पेशल फ्रूट रायता। ये रायता सभी को पसंद आने वाला है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं आधा कप केले के टुकड़े, आधा कप अनार के दाने, एक चौथाई कप आम के टुकड़े और एक चौथाई कप अंगूर को बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है, अंगूर बड़े थे इसलिए, और आधा कप एप्पल के टुकड़े, एप्पल को छील कर टुकड़ों में कट कर लिया है। आप फलों को अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इनमें से कुछ फल जैसे कि एप्पल, केला, इनको ज़्यादा देर काट के रखने पर इनका कलर डल पड़ जाता है, इसलिए आप यदि ज़्यादा मात्रा में फ्रूट रायता बना रहे हैं तो आप एक टिप्स को फॉलो कीजिए जिससे कि इन फ्रूट का कलर बरकरार रहे। इसके लिए आप एक कप पानी लीजिए और उसमें दो बड़े चम्मच दूध डाल दीजिए। मैं आपको दो कप दही के फ्रूट रायते के लिए ये दूध और पानी की मात्रा बता रही हूँ। अब हम इसमें केले और एप्पल डाल देंगे। मैंगो जो है उसे भी ज़्यादा देर काट कर रखने पर वो थोड़े से डल हो जाते हैं, इसलिए हम मैंगो को भी इसमें गला देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ढक कर रख देंगे जब तक कि हमारा दही तैयार ना हो जाए। अब मैंने दो कप मलाईदार ताज़ा दही लिया है। मलाईदार मतलब मैंने दूध की मलाई नहीं निकाली थी और ऐसे ही इसे जमा दिया था। अब हम दही को अच्छे से फेंट लेंगे। अच्छे से फेंटने के बाद इसमें पीसी हुई शक्कर डालेंगे, तीन बड़ी चम्मच। आप घर पर ही शक्कर को पीस लें और इसे डाल दें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक चौथाई छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, जीरे का दरदरा पाउडर ही डालेंगे, एक छोटी चम्मच काला नमक और आधार का आधी छोटी चम्मच चाट मसाला। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने कम मात्रा में फ्रूट रायता बनाया है, इसलिए इतनी देर में कटे हुए फल का कलर चेंज नहीं होता है, इसलिए आप यदि दो कप दही का बनाएं तो फलों को दूध और पानी में ना गलाएं। अब हम इसमें कटे हुए अंगूर और अनार को डाल देंगे। इन अनार में से मैंने एक बड़ी चम्मच अनार बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए। अब हम इन फ्रूट्स को छान लेंगे एक छलनी की सहायता से और इसका अच्छे से सारा पानी निथार कर इसे भी दही वाले रायते में मिला लेंगे। आप देख सकते हैं इनका कलर कितना क्लियर हो चुका है, जितने ये कटे हुए थे उससे भी ज़्यादा क्लियर दिख रहे हैं। बस इन्हें ज़्यादा देर पानी और दूध में भिगोने पर इनका स्वाद बदल सकता है, इसलिए इसे ज़्यादा देर तक ना गलाएं। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसे आप एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। मैंने इसे एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब देखिए ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसे एक बाउल में सर्व करने के लिए निकालेंगे। अब हम इस रायते के ऊपर बचे हुए एक बड़ी चम्मच अनार के दाने डालेंगे और ताजी पुदीने की पत्तियां भी इस पर डाल देंगे। ये लीजिए तैयार है गर्मियों के लिए स्पेशल फ्रूट रायता। आपको यह रेसिपी पसंद आए हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें।